हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आ चुके हैं, क्योंकि हाँ इससे पहले वीडियो मैंने बहुत दिनों तक नहीं डाला था और बस वजह यही था कि आप लोग का सपोर्ट और प्यार नहीं मिल पा रहा था। और उम्मीद करता हूँ कि अब की बार से आप लोग अच्छा से सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और हम लोग को चाहिए कि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और कोई भी एग्जामिनेशन आपका मैट्रिकुलेशन का देखिएगा, उसमें इस प्रकार के प्रश्न के बिना आपका क्वेश्चन सफल ही नहीं पाता। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले कठिन में परिश्रम से अच्छा है कि राइट डायरेक्शन में और अच्छी परिश्रम करने की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न नंबर एक है प्रश्नावली 8.1 का। और प्रश्नावली 8.1 का जो ये प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा क्या है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्नावली जो है समझिए कि आपके लिए रामबाण के काम करेगा। अगर आप इस पे महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी त्रिभुज क्या करना है, एक बनाना है, एक त्रिभुज बना देना है, वो भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए जिसमें बी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी समकोण होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कह रहा है बी आपका समकोण होना चाहिए, जिसमें ए बी का मान आपका दिया होगा 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान होगा 7 सेंटीमीटर और आपका ये भुजा नहीं दिया है, यानी हाइट सॉरी जो आपका कर्ण है नहीं दिया। क्योंकि आपको पता है जब समकोण त्रिभुज होता है तो आपका ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है और ये आपका आधार हो जाता है, आधार कहलाता है और ये आपका कर्ण कहलाता है। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान ज्ञात करना है, प्रश्न संख्या एक हमारा कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। और फिर आपको दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इन यही दोनों प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि आपका जो ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है, इसमें कहीं ना कहीं एक साइड जो है हाइडन है। और इससे पहले कि आप लोग ये जानने से पहले आप लोग को मैं एक कुछ बेसिक नॉलेज बता दूं कि आपका ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आपका टैन होता है, जैसे टैन थीटा हो जाए तो इसका क्या होता है, यानी अगर एंगल पे इसको सजाते हैं तो इसका क्या होता है, तो टेन का होता है यानी कर्ण लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी कहते हैं हम इसको, पी बाई बी। जस्ट इसका अपोजिट आपका आता है कॉट, यानी जस्ट इसका अपोजिट आपका कॉट आता है, तो जाहिर सी बात है कॉट जब अपोजिट होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बी बाई पी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग एक और आता है साइन होता है, यानी साइन थीटा, साइन अगर थीटा होगा तो साइन थीटा का होता है पी बाई एच होता है, इसका अपोजिट हमारा होता है कोसाइन, यानी कोसाइन का होता है तो कोसाइन का आप करिएगा कोसेक, यानी कोसेक थीटा का करिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और ये हो जाता है एच बाई पी। उसके बाद बच जाता है हमारा कोस, कोस थीटा के लिए अगर हम लोग एंगल बताते हैं तो एंगल बताने के लिए हमारा क्या होता है, कोस का होता है बी बाई एच, बी बाई एच होता है और इसका अपोजिट हमारा होता है सेक, यानी कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा का जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। आप लोग इसको याद करिएगा, ये मोटा मोटी आपका क्या हो गया, एक नोट हो गया। और इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या एक को पढ़ते हैं। और एक पर प्रश्न संख्या सॉल्यूशन करते समय हम लोग सबसे पहले इसको मद्देनजर रखते हुए करेंगे क्या, कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज हो उसके लिए पाइथागोरस का नियम लागू होता है। इसीलिए पाइथागोरस पर जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हमारा होता है क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब इसका हम जो जो वैल्यू दिया उसको रखेंगे, तो हमारा लंब दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आधार हमारा 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 हो जाता है और इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं जब ये हमारा आएगा 649,
25, आप लोग 9 6 15, अच्छा 7 4 11 12, इसको करिएगा, उसके बाद से आपका इतना आ जाएगा 625। कहीं ना कहीं आपका एक स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाता है, जिसका हो जाता है आपका, यहाँ आप लोग कर सकते हैं, देखिए 625 यानी 25 × 25 यानी 625 होता है ना, तो इसीलिए हमारा 25 निकलेगा, यानी हमारा जो कर्ण था कितना आया, कर्ण हमारा था आपका नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। चलिए एक बार और फिगर बना देते हैं यहाँ पे, आप लोग को अगर कोई असुविधा होगी तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं, ये आपका 25 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक ना, और ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो इसमें अब आपका क्वेश्चन नंबर ए कह रहा था कि एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा था साइन ए निकालना है, तो साइन ए यानी हमारा अगर यहाँ पे ए आपका है तो इसका वैल्यू रखेंगे, तो आप याद रखिएगा कभी भी कोई भी एंगल का बेस और कर्ण सॉरी बेस और लंब ही चेंज होता है, चाहे कहीं भी, अगर यहाँ हम एंगल यहाँ रह करके अगर साइन यहाँ इसको मान करके अगर निकालते हैं तो जिसके सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला भुजा हमारा हो जाता है लंब, यानी अगर हम साइन ए यहाँ पे रखते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, यानी लंब हमारा ये हो जाएगा, और इसका जो आधार होगा, इसका जो सटा हुआ होगा वही हमारा आधार कहलाएगा, यानी इसके लिए आधार ये हो जाएगा, और कभी भी ऊंचाई चेंज नहीं होता है, यानी जो कर्ण होता है कर्ण कभी नहीं बदलता है, इसीलिए अगर साइन ए रखते हैं तो साइन ए रखेंगे तो टी बाई बी होगा ना, हम लोग को पता है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, साइन ए बराबर होता है पी बाई डी, यानी सॉरी पी बाई एच होता है, तो पी हमारा कौन आया, पी हमारा आया बी सी, यानी ये हो गया हमारा लंब, यानी इसके भुजा वाला जो होता है पोल होता है लंब होता है, और लंब बता आधार आपका आया था क्या, ये भी हो जाएगा, यानी ये भी हमारा आधार आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम देखते हैं, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 24, इसी के साथ हमारा साइन का वैल्यू निकल गया। और उसके बाद सेकंड इसी में क्वेश्चन था कि कॉस ए, अगर कॉस को ए मानते हैं तो यहाँ पे ए मानेंगे तो इसके साइड वाला सामने वाला जो एंगल हो जाएगा पी होगा, और ये पी ही है, ठीक है, सामने वाला पी हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, कॉस का होता है बी बाई एच, यानी बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू आप लोग देखिए फिगर में, बी हमारा ये होता है बेस आधार, यानी ए बी है ए बी बटा, और यहाँ पे एच हमारा क्या है ए सी है, ए सी तो चेंज होता नहीं है, तो ए सी का ए सी हम लगा लेंगे, यानी बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच, ए बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ 24 और एच हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसी इसी के साथ हमारा इस प्रश्न में जो दिया है इसका हो गया। अगला हमारा इसी में दो नंबर क्वेश्चन दिया है, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी, अगर साइन सी अगर इस फॉर्मूला में निकालते हैं तो आप देखिए ये फॉर्मूला हमारा ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी, अगर यहाँ पे हम एंगल लेते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, यानी हमारा तो पहले से ये 24 था और ये 7 है, ये 25 था, इसमें तो कोई चेंजिंग करना नहीं है, लेकिन बस हमको करना क्या है, एक एंगल चेंज कर देना, यानी एंगल बस इसको परिवर्तित कर देना। एंगल हम कैसे परिवर्तित करेंगे, अगर यहाँ पे सी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये टी हो जाएगा, और ये हमारा बेस तो बेस है, हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, यानी कर्ण बदलता नहीं है, और ये बेस का बेस हो जाएगा, तो साइन सी के लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी अगर रखते हैं तो साइन सी भी वही होगा टी बाई एच, और टी हमारा क्या आ रहा है ए बी आ रहा है ए बी, और एच हमारा क्या है ए सी है, और इसका वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा, यानी हमारा हो जाएगा 24/25, यानी ये हमारा हो जाएगा साइन सी के लिए। और उसी के साथ एक और क्वेश्चन है कॉस सी, अगर कॉस सी रखते हैं और यही रखते हैं कॉस सी, तो ये हमारा पी और डी हो जाएगा, और कॉस सी के लिए होता है बी बाई एच होता है, तो डी हमारा क्या दिया है, तो बी दिया है बी सी, और एच हमारा दिया है ए सी, क्योंकि एच कभी चेंज नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों ये ए बी का वैल्यू सॉरी बी सी का वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और मिलते हैं, वीडियो लेंथ ना हो जाए इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और जिसमें जो भी ऐसा बात हुआ आपको समझ में नहीं आया होगा उसको जरूर कॉमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।